देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों बचपन में जब स्कूल में हम जाते थे तो हमको एक कहानी सुनाई जाती थी, एक मुहावरा बताया जाता था और कहा जाता था कि इस मुहावरे का प्रयोग, मुहावरा था घिग्घी भर जाना। उस वक्त ना तो उस मुहावरे का प्रयोग मैं कर सका, लेकिन आज उस मुहावरे का सटीक जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको कहां फिल करना है ये पता है। और वो फिल होगा कि कल सड़क के रास्ते से बाय रोड जब बांदा से लखनऊ मुख्तार अंसारी, डॉन मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा था, तब मुख्तार अंसारी की घिग्घी बंद गई। जी हां, यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जब मुख्तार अंसारी, अगेन डॉन मुख्तार अंसारी जब लाए जा रहे थे, कहां से, बांदा से जब इनको लाया जा रहा था लखनऊ, तो रास्ते भर लोग बता रहे हैं, रास्ते भर फोन चेक कर रहे थे, रास्ते भर बीपी चेक कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनके बेटे अब्बास, अब्बा की जान को लेकर अब्बास काफी परेशान थे। लगातार फोन पर लगातार लखनऊ से ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे और कह रहे थे कि अब्बा की जान को बहुत खतरा है, अब्बा की जान को बहुत खतरा है, उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलट जाती है और डॉन जिस गाड़ी में बैठते हैं वो तो पता नहीं कैसे पलट जाती, क्या इंजीनियरिंग है बाबा की कि गाड़ी पलट जाती है। जमीन पर, संपत्ति पर, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है और उनमें जो अवैध कब्जा करने वाले हैं उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो रहा है, गाड़ी पलट रही है, तो बाबा का बुलडोजर जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। और इस बार आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, एडीजी साहब बता रहे हैं कि 15 दिन के अंदर बाबा के राज में 15 दिन के अंदर 50 अपराधी जाकर थानों में सरेंडर कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया बचा लो, बड़ी बड़ी तख्ती प्लेट लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज डोंट एनकाउंटर, हमारा एनकाउंटर मत करो भाई, हम तो खुद थाने चलकर आए। लगातार एक एक अपराधी कह रहा है। आपको बता दे कि बाबा ने बहुत बड़ा बाबा ने धमाका किया है, कि बाबा ने गृह विभाग अपनी जेब में रख लिया है, गृह विभाग रख लिया बाबा ने अपने पास, मतलब बुलडोजर विभाग बाबा के पास है और जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे सरपट सरपट दौड़ाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 2 साल तक ये जो बाबा का बुलडोजर है मेंटेनेंस पर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। और ये बात आपको पता है, ये मुझे भी पता है कि आपको पता है, 2024 तक ये बाबा का बुलडोजर बाबा के बुलडोजर के नाम से ही दौड़ेगा और आगे जो होता है ना उसका ऐसे ऐसे सिस्टम, वो कहां कहां अवैध निर्माण को किस तरह से उछाल कूद करेगा ये आप देखिएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बाबा का बुलडोजर का जो उस वक्त मुंह है, क्योंकि एक तरफ आप देखते होंगे एक तरफ गाड़ी का फ्रंट फेस, एक तरफ होता है बैक फेस, तो फ्रंट फेस जो है इस वक्त पूर्वांचल की ओर, और पूर्वांचल की ओर जब फ्रंट फेस है तो कई सारे पूर्वांचल के सो कॉल्ड डॉन हैं, सो कॉल्ड माफिया हैं जिन्हें रात भर नींद नहीं आ रही, वो गोली खा रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, सो जाओ भाई, लेकिन नींद नहीं आ रही क्योंकि बाबा के बुलडोजर का जो मुंह है दरअसल उनकी तरफ है, पूर्वांचल की तरफ है। आपको बता दूं कि बाराबंकी से लेकर मऊ तक डॉन बहुत परेशान है सभी डॉन। प्रयागराज पे अतीक अहमद के गुंडा राज की कब्र खुदना शुरू हो गई। अतीक अहमद के आपको बता दूं कि अतीक अहमद का जो घर है प्रयागराज में, पैतृक घर है, वहां पर बाबा का बुलडोजर चला। इसके अलावा उनके चेला चिंटू होते हैं डॉन लोगों के, जो चेला चिंटू होते हैं, ऐसी अतीक अहमद का एक चेला है, उसकी 50 बीघा प्लॉटिंग पर बाबा का बुलडोजर चला और 50 बीघा प्लॉटिंग को कब कैसे गायब कर दिया। अब वहां पर बाबा के लोग टेनिस खेल रहे हैं, वो प्लॉटिंग गायब हो गई। अतीक अहमद का चेला कह रहा है ये क्या हुआ भाई, ये कैसे हुआ। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बाराबंकी एम्बुलेंस केस के मामले में मुख्तार अंसारी और उसके साथ 13 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और जितने साथी सबकी जो संपत्तियां हैं उनको जब्त करने की, कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो तेज हो चुकी है। तो अब स्थिति पलट चुकी है और कल जब मुख्तार अंसारी का, जब लखनऊ का जो एक विजिट थी कोर्ट, एमपीएमएलए कोर्ट में जब विजिट थी, तो रास्ते भर
रास्ते भर, इधर लखनऊ में एंट्री होनी मुख्तार की, रास्ते भर डिसेंट्री रही, परेशान रहे रास्ते भर। और बाबा कम नहीं, रास्ते में गाड़ी रुकवा दी, बोला खराब हो। रास्ते में जब गाड़ी रुकी, बोला खराब हो गई है, मुख्तार अंसारी का चेहरा रेड हो गया। रेड, अभी कौन सा रेड है, ये डार्क रेड है, नॉर्मल रेड है, या फेंट रेड है, ये आप डिसाइड करिए। लेकिन कल स्थिति बहुत खराब थी भाई, बहुत स्थिति खराब थी। ऊपर बादल जो थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अब गिरे। तो मुख्तार अंसारी की हालत बहुत पतली थी, बहुत खराब थी। इसको लेकर कल बाबा ने जो तहलका ढाया है, बैठे बैठे लखनऊ बुलडोजर का फेस किधर है ये आपको बताया, और बुलडोजर का फेस जो है वो पूर्वांचल की ओर है, और बुलडोजर वहां पर कैसे अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर रहा है, कैसे घरों को ध्वस्त कर रहा है, कैसे अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है, और बुलडोजर सीधा दौड़ा चला जा रहा है, सीधा तोड़ता जा रहा है, जो माफिया डॉन गुंडे बदमाश अपराधी जो आ रहे हैं, दौड़ता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ ये छोटी सी पिक्चर देखकर, छोटी सी फिल्म देखकर, व्यूअर्स जो छोटे मतलब एक होते हैं बड़े, एक होते हैं छोटे, तो जो छोटे हैं एक होते हैं जूनियर, एक होते हैं सीनियर, तो सीनियर अपराधियों की तो गाड़ी पलटती है, गाड़ी रुकती है, खराब होती है, बुलडोजर चलता है। जो छोटे हैं, जो जूनियर अपराधी हैं, वो खुद ही तख्ता बेल्ट लेकर थाने पहुंच रहे, कह रहे भैया अरेस्ट करो, हमें अंदर रख लो, हमें छोड़ो मत, बाबा बहुत दयालु नहीं है, बाबा बहुत भड़क जाते हैं बहुत जल्दी, और बुलडोजर जब चलता है तो रुकता नहीं। तो इसको लेकर एक छोटा सा पैकेज है, छोटा सा, छोटे अपराधियों को भी दिखाएंगे और बड़े अपराधियों को भी इस पैकेज में दिखाएंगे। इस रिपोर्ट को आप देखिएगा जरा, रिपोर्ट चलाइएगा प्लीज। योगी सरकार के सत्ता में वापसी के बाद से ही सूबे का माहौल बदला सा है। पुलिस अधिकारियों के घर कम और अपराधी माफीनामा लिखी तख्ती लेकर थाने जाते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बाबा का खौफ कुछ इस कदर बोल रहा है कि मेंटेनेंस के बाद लौटे बुलडोजर के डर से अब तक करीब 55 अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। चुनाव से पहले कब आओगे मेरे अखिलेश का गीत गा रहे अपराधी अब सहम गए हैं, घबराए हैं, इन्हें डर है कि अगर देर की तो कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, इसलिए पुलिस के आने का इंतजार नहीं कर रहे बल्कि खुद ही पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। जो अपराधी पहुंच रहे हैं उनके दिल का डर उनके गले में लटकती तख्तियों से समझा जा सकता है, जिसमें लिखा है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, कृपया गोली ना चलाएं। योगी सरकार की सरकार आते ही अपराधियों का खौफ अब खुलेआम नजर आ रहा है। जो अपराधी फरार थे वो थानों में नजर आ रहे हैं, जो जेल से कोर्ट जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी की हवा निकलते ही इन अपराधियों की सांसें अटक रही हैं। हो भी क्यों ना, योगी सरकार की एक बार सत्ता में एंट्री के साथ ही उनके तेवर भी सख्त हैं। के संरक्षण में पल रहे गुंडे माफिया अपराधी लुटेरे ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी, मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में सुरक्षा का मुद्दा सबसे जोर से चला था, इसमें एनकाउंटर का छौका था और बुलडोजर का तड़का था। एडजी लॉ एंड ऑर्डर ने जानकारी दी है कि 15 दिन में 50 से ज्यादा अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। इसके पीछे की वजह है योगी सरकार ने वापसी के साथ ही अपराधियों के सपनों में आना शुरू कर दिया। एनकाउंटर एक बार फिर शुरू हो चुके हैं, बुलडोजर भी नजर आने लगे हैं। इस बीच सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ सुरक्षा को लेकर माइक्रो प्लानिंग में भी जुट गए हैं। अपराधियों के लिए अलग से प्लानिंग हो रही है, जिससे कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाया जा सके। 112 की पेट्रोलिंग को मजबूती दी जा रही है, असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है, पुलिस विजिलेंस को बढ़ाया गया है। तो मोटा मोटी बात यह है कि योगी की पुलिस के डर से अब अपराधियों की धुन बदल गई है। वो डरे हैं, प्रदेश छोड़कर भागना चाहते हैं, वह गैंगस्टर माफिया थाने पहुंच रहे हैं। एनकाउंटर का डर काल बनकर अपराधियों की नींद उड़ाए हुए है। डर का आलम कुछ ये है कि बाहर के अपराधियों के बीच खलबली है, तो अंदर वाले बाहर आने के डर से सिहर रहे हैं।
बांदा से लखनऊ कोर्ट लाए जाने की बात सुनते ही सड़क और लंबा रास्ता ये ख्याल आते ही मुख्तार अंसारी के वकील काजी शबीर रहमान ने बांदा जिला जेल के अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा कि मुख्तार अंसारी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें लखनऊ कोर्ट में पेशी के लिए ना भेजा जाए। पत्र काम ना आया और मुख्तार अंसारी को सड़क के रास्ते बांदा से लखनऊ लाया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ देर के लिए गाड़ी क्या खराब हुई। मुख्तार अंसारी के आसपास डर की हवा बहने लगी। मुख्तार के चेहरे की हवाइयां बता रही थी कि माफिया किस हद तक डरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो रिपोर्ट नहीं थी ये, दरअसल ये डॉक्यूमेंटेड फाइल थी जो दिखा रही थी कि माफियाओं के, अपराधियों के, डॉन के, गुंडों के, बदमाशों के, एंटी सोशल एलिमेंट्स के, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर, असामाजिक तत्वों पर बाबा बड़ा परेशान कर रहे हैं। बाबा ने बड़ा टेंशन दे दी उनको, बड़ी टेंशन। लेकिन मुख्तार का नाम आज जिक्र है। मुख्तार अंसारी कल जब बांदा से लखनऊ तक आया तो बांदा से लखनऊ आने का जो सफर था वो उतना ज्यादा खतरनाक था कि मुख्तार अंसारी की मूछें जो थी वो रास्ते भर, बता रहे हैं उनके साथ के लोग, रास्ते भर गीली रही, चेहरा लाल, आंखें छोटी, तबीयत खराब, सब कुछ ब्लेंडर। लेकिन खैर, एक तरफ अब्बास बड़ा परेशान था, कह रहा था अब्बा की जान को खतरा है। ये वही अब्बास है जो हिसाब किताब की बात कर रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे ही आएगी हिसाब किताब करूंगा। लेकिन अब किताब लेकर नोट कर रहा है कि भैया बचे, ट्विटर पर ट्वीट कर रहा है बचे। लेकिन ये दुश्मनी बहुत पुरानी है। लोग कहेंगे मुख्तार के पीछे बाबा क्यों पड़े, कैसे मारेंगे, कब तक पीटेंगे बाबा, क्यों पीट रहे हैं बाबा। अरे ठीक है, डॉन था, सजा मिल रही है, लेकिन बाबा तो छोड़ नहीं रहे। इसको लेकर आपको बता दूं कि बाबा की वर्सेस जो मुख्तार है, इनका बहुत पुराना खेल है भाई, आज का नहीं 17 साल पुराना है। अब 17 साल पुराना खेल है, खुद बताऊं, इससे बेहतर है कि विजुअल्स के माध्यम से एक पैकेज है, स्टोरी है, इसको खुद देखिएगा, चलाइएगा प्लीज। इस दुश्मनी की कहानी 12 साल पुरानी है। साल 2005 और 2006 को दो ऐसी घटनाएं हुई जिससे योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी खुलकर सामने आई। उस दौर की बात करेंगे। उस वक्त मुख्तार अंसारी पर मुलायम सिंह यादव और मायावती का हाथ था। यही कारण कि मुख्तार अंसारी तब योगी पर भारी पड़ जाता था। योगी आदित्यनाथ तब मऊ और आजमगढ़ में बिना परमिशन नहीं घुस पाते थे। घुसने की कोशिश भी करते तो उन्हें मुख्तार अंसारी के इशारों पर रोक दिया जाता था। और तभी एक ऐसी घटना हुई जब योगी ने ठान लिया कि यूपी से मुख्तार का नामो निशान मिटा देंगे। उस वक्त ना तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और ना ही राज्य में बीजेपी की सरकार। ऐसे में इधर योगी अकेले पड़ रहे थे। उधर मायावती और मुलायम सिंह यादव ने बारी बार मुख्तार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। लेकिन महज 9 साल में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये मुख्तार अंसारी ने सपने में भी नहीं सोचा। कभी योगी आदित्यनाथ को ललकारने वाले मुख्तार अंसारी आज सोचते होंगे कि अगर उस वक्त योगी से पंगा ना लिया होता तो आज ये हाल ना होता। लेकिन ये बात भी आपको जाननी होगी कि 2005 में जब मऊ में दंगे हुए थे तब ऐसा क्या हुआ कि योगी और मुख्तार की दुश्मनी सबके सामने खुलकर आ गई। दंगों के दौरान मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूम रहा था और दंगा कर रहे लोगों से बातचीत कर रहा था। तभी आरोप लगा था कि मुख्तार दंगों को भड़काने का काम कर रहा था। इन दंगों के बाद 2006 में गोरखपुर में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आने लगी। तब गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार को खुली चुनौती दी थी कि मऊ आकर दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन उन्हें मऊ जिले में जाने नहीं दिया गया। इसके कुछ सालों बाद 2008 में आजमगढ़ जा रही योगी आदित्यनाथ की गाड़ी पर कुछ अपराधियों ने हमला कर दिया। हमले से योगी आदित्यनाथ बाल बाल बच निकले। इसके बाद योगी ने इशारों इशारों में बताया कि मुस्लिम पक्ष लगातार गोली चला रहा था और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हमला करने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इसके बाद लगातार योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई, कभी बयानों के चलते तो कभी योगी आदित्यनाथ के काफिलों पर होते हमलों के चलते। इस बीच माया और मुलायम के आशीर्वाद से मुख्तार अंसारी लगातार अपना वर्चस्व कायम रखे रहा। उस वक्त मायावती मुख्यमंत्री थी
और मुख्तार अंसारी बसपा में था, मायावती का खास था। ऐसे में योगी के लिए वो वक्त आसान नहीं था, लेकिन समय के साथ कहानी बदली और 2010 में मायावती ने मुख्तार बंधुओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया। 2012 में सपा की सरकार तो बनी, लेकिन कुछ साल बाद देश में मोदी लहर चलने लगी। बीजेपी ने 2014 के चुनावों में प्रचंड लहर के साथ केंद्र में सरकार बनाई, तो 2017 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना दी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए और तभी से मुख्तार अंसारी का बुरा वक्त शुरू हो गया। कहा जाता है कि मायावती और मुलायम सिंह यादव की सरकार में मुख्तार अंसारी जेल से भी अपना सारा धंधा चलाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में ना सिर्फ मुख्तार के कारोबार को चौपट किया गया, बल्कि उसके अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर चला दिया गया। संदेश दिया गया कि योगी राज में ये सब संभव नहीं। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि 2005 और 2006 वाली घटना ना हुई होती तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्तार पर इतने सख्त ना होते। यही वो कहानी है जिसने दुश्मनी की इबारत लिखी और मुख्तार के बुरे दिनों के पीछे यही कहानी कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे कि कहानी बहुत बड़ी है, दिखती छोटी है बहुत बड़ी। तो अब किस तरीके से बीते 15 दिन के अंदर 50 अपराधी अगर खुद सरेंडर कर रहे हैं और एक अपराधी एक जेल से कोर्ट की एंट्री ले रहा है, तो रास्ते पर डिसेंट्री की पोजीशन पर है, तो समझ जाइए कि माफियाओं के बीच, गुंडों के बीच, अपराधियों के बीच बाबा बिल्कुल नरम नहीं है। बाबा बहुत गरम। और अब 2 साल तक ये बुलडोजर विभाग बाबा के पास ही रहेगा, और जब तक बाबा के पास रहेगा, बाबा क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो उस स्पीच पर जाइएगा 2017 जब बाबा ने कहा था कि जितना गुंडा माफिया अपराधी है प्रदेश छोड़ दो, यहां रह नहीं पाओ, और जो जो यहां टिका, जो जो यहां बचा, जो जो यहां रह सका, उसकी हालत बहुत खराब। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया। देखिए भारत एट 9 कावेंद्र चौहान के साथ।